नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव से पहले बिहार के मुखियाओं को मिला विशेष अधिकार। अब पटना से बनारस तक का सफर होने वाला है आसान। बिहार लोक सेवा आयोग में LDC के पदों पर निकाली गई भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की कोरोना को लेकर स्थिति स्पष्ट। अब खबरें विस्तार से। इंडिया पोस्टल सर्कल डाक विभाग केरल ने निकाली रिक्तियां। इंडिया पोस्टल सर्कल डाक विभाग केरल ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के कुल मिलाकर 1421 रिक्तियों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 2 महीने की अवधि के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2021 तक आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। पंचायत चुनाव से पहले बिहार के मुखियाओं को मिला विशेष अधिकार। बिहार पंचायत चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने ग्राम पंचायत यानी कि मुखियाओं को खुशखबरी दी है, जिसके तहत सरकार ने एक साथ 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बिहार के सभी मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों की झंझट अब खत्म होने वाली है। इसमें सबसे पहले पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य अब ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया जाएगा। इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य के पंचायत प्रतिनिधि के खाते में सीधे विभागीय मुख्यालय से ही मानदेय राशि का भुगतान किया जाएगा। बिहार को साल के अंत तक इंजीनियरिंग कॉलेज की मिलेगी सौगात। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी के साथ काम शुरू हो चुका है। इसके तहत अब बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण का काम भी जोर शोर से देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में मिली जानकारी के अनुसार बिहार को दिसंबर महीने तक 16 इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। उक्त बातें शिक्षा मंत्री ने खुद कही है, जिसके तहत बीते दिन विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने 5,321.40 करोड़ का बजट भी पेश किया है। साथ ही ये भी कहा है कि 7 निश्चय के तहत राज्य के 31 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना है। कोरोना काल में निजी स्कूल द्वारा जबरन फीस वसूली का उठाया गया मुद्दा। कोरोना में लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के बावजूद निजी स्कूल द्वारा बच्चों से फीस वसूली की गई थी, जिसको लेकर बीते दिन विधानसभा में जबरन फीस वसूली का सवाल उठाया गया। सवाल करते हुए राजद विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने पूछा कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसे कोई नियम नहीं है जिससे लिए गए फीस को वापस मांग लिया जाए। स्कूल मालिकों की दलील है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास करवाए हैं, इसलिए फीस लिए गए हैं। वहीं मनमानी ढंग से फीस बढ़ाने के मामले में शिक्षा मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया है। अब बिहार में बिकेगा गुजरात का प्याज। सीमांचल वासियों को अब प्याज के बढ़ते दाम के कारण निराश होने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब बिहार में गुजरात से प्याज आने वाला है। इतना ही नहीं, अब ट्रक नहीं रेल रैक से प्याज पहुंचने से भी कीमतें कम होने वाली है। कारोबारियों का मानना है कि 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर गुजरात से प्याज का रैक पहुंचते ही प्याज के दाम थोक बाजार में 7 से 8 रुपए प्रति क्विंटल कम हो जाएंगे। ऐसे में खुदरा बाजार में भी प्याज की कीमतें गिरनी तय मानी जा रही है, जिसके तहत महज 3 से 4 दिनों में सीमांचल के लोग गुजरात के प्याज का स्वाद ले पाएंगे। इसके साथ ही अब अगले महीने 10 रैक प्याज के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सेशन में सदस्यों को दिया गया गीता का उपदेश। बीते दिन मंगलवार को विधानसभा सत्र के बजट सेशन के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोकझोंक हुई। इस बीच अध्यक्ष विजय सिन्हा ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को महाभारत का उदाहरण देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। दरअसल दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इसी दौरान सदन में जारी नोकझोंक के बीच उन्होंने अर्जुन कृष्ण संवाद और गीता के उपदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि यह शरीर नश्वर है, जो आया है वो जाएगा ही। इसके अलावा सदस्यों से अमर्यादित आचरण का व्यवहार नहीं करने की बात कही गई। चतुर्थ वर्गीय कर्मी नहीं बनेंगे पंचायत चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मी को पीठासीन पदाधिकारी का जिम्मा नहीं सौंपा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में वर्ग 4 के कर्मियों को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाए। आयोग के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी को उनके पद रैंक या वेतनमान के आधार पर बनाया जाएगा। ऐसे में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी जिनका पद और वेतन दोनों ही अन्य मतदान पदाधिकारियों से ज्यादा होगा। वहीं चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी मतदान कर्मियों को उनके कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र में इलेक्शन ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग में LDC के पदों पर निकाली गई भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने लोअर डिविजनल क्लर्क के कई पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं। BPSC की इस भर्ती में 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। BPSC की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 19 मार्च से आयोग की वेबसाइट onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तारीख 16 अप्रैल 2021 है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जिनके
पास LDC पदों के लिए 10+2 या इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर गांव टोलों में बढ़ी हलचल। बिहार में आगामी कुछ दिनों में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट से गांव टोलों में हलचल की शुरुआत हो गई है। कई पंचायतों में तो बकायदा अमुक पदों के लिए खुद को सबसे योग्य दावेदार बताने में लगे हुए हैं। कई पंचायतों में जहां महिला उम्मीदवार है वो अब गांव की गलियारे में घूम घूम कर अभी से ही अपनी मौजूदगी दिखाने लगी है। यही नहीं, नए चेहरे के संभावित प्रत्याशी वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के कामकाजों में गड़बड़ी गिना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वर्तमान जनप्रतिनिधि भी किसी से कम नहीं है। विगत 5 साल अपने अपने पंचायत में विकास के दावे के साथ खुद को दोबारा मौका देने की बात कहने लगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की कोरोना को लेकर स्थिति स्पष्ट। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बिहार में भी कोरोना से बचाव को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर ही बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही कोरोना को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। पिछले साल से अब तक कोरोना को लेकर काफी गंभीरता से काम किया गया है। यही कारण है कि बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को देखते हुए बिहार में टेस्टिंग बढ़ाए जा रहे हैं। होली में मिलन समारोह को भी स्थगित कर दिया गया है। बिहार में कार्यपालक सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ लंबित मांगों को लेकर बीते दिन भी अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल पर देखे गए। इस मामले को लेकर कार्यपालक भी अब धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद से कार्यालयों में काम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में BFMS कर्मचारियों के माध्यम से धरना दिया जा रहा है। धरना के 5वें दिन अराजपत्रित कर्मचारी संघ की कुल 8 मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों की मांग है कि सरकारी तंत्र का दलाली करना बंद करे और कर्मचारियों की बात सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखे। आसन पर आरोप लगाने वालों को विजय सिन्हा ने दी चेतावनी। मंगलवार को बिहार विधानसभा में चल रहे बजट सेशन के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा आसन पर आरोप लगाने के बाद अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सख्त हो गए। उन्होंने सदन में भी सभी सदस्यों को चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि सदन में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आसन पूरी तरह से निरपेक्ष है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आसन पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा करके वो खुद का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से आग्रहपूर्वक कहा कि इस तरह की मानसिकता बदले। आरोप लगाने से पहले पूरे सबूत के साथ जानकारी पहले अध्यक्ष को दी जाए, उसके बाद ही सदन में उसकी बात की जाएगी। वहीं इस बाबत उन्होंने सभी से सख्ती लहजे में सदन की गरिमा का ख्याल रखने की बात कही। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विद्यापति नगर प्रखंड के विद्यापति धाम परिसर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान और भक्त दोनों की पूजा की जाती है। विद्यापति धाम में उगना महादेव मंदिर, विद्यापति स्मारक आदि के दर्शन आप कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके यहाँ उगना नाम से सेवक बनकर आए थे। कालांतर में जब एक दिन उगना अचानक गायब हो गए तो विद्यापति उनकी तलाश में विद्यापति धाम तक आ पहुंचे। कहा जाता है कि मां गंगा ने भी महाकवि की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिया था। महाकवि ने गंगा के दर्शन के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया, तभी से समस्तीपुर के विद्यापति धाम की ख्याति है। बियाडा की जमीन को फ्री होल्ड करने पर सरकार करेगी विचार। सरकार बियाडा की जमीन को फ्री होल्ड करने पर विचार विमर्श करने वाली है। इसके साथ ही सरकार ने जमीन के दर में भी संशोधन किए जाने की बात कही है। इसको लेकर हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने लघु उद्योग भर्ती की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कहा है। उन्होंने कहा कि बियाडा की जमीन पर कोई घर नहीं बना पाएगा। निवेशकों के लिए सूबे में अब उद्योग लगाने के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सरकार ने चीनी मिल से लगभग 2500 एकड़ जमीन अधिकृत की है। इसके साथ ही शुगर मिल की जमीन जो बियाडा को सरकार से मिली है उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अब पटना से बनारस तक का सफर होने वाला है आसान। अब बिहार वासियों का वाराणसी तक का सफर आसान होने वाला है। केंद्र सरकार ने बिहार को इस बाबत नई सौगात दी है, जिसके तहत ही अब पटना से आरा होते हुए सासाराम तक नई प्रस्तावित सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है। इस सड़क के लिए अब जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना वाया आरा से सासाराम तक की नई सड़क कुल मिलाकर 119 किलोमीटर लंबी होने वाली है, जिसमें से 108 किलोमीटर की सड़क ग्रीन फील्ड होगी, यानी कि पूरी सड़क नई होने वाली है। जानकारों की माने तो यह सड़क कई जगहों पर 4 लेन की जगह और कई जगहों पर 6 लेन की होगी।
पश्चिम चंपारण के रिक्शा चालक के बेटे ने राज्य जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में जीता सिल्वर। बिहार राज्य जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया था। इस मुकाबले के फाइनल में पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहा गांव निवासी ब्रह्म मिश्रा के पुत्र पुनीत मिश्रा ने सिल्वर मेडल जीतकर प्रखंड क्षेत्र समेत जिले का नाम रोशन किया है। प्रदेश के सहरसा स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय कुश्ती मुकाबले के फाइनल में 16 वर्षीय पुनीत का 48 किलोग्राम भार वर्ग में जोरदार मुकाबला आरा जिले के गोरेलाल से हुआ। इसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए पुनीत मिश्रा ने सिल्वर खिताब जीतकर यह उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार को मजाक बनाने की कही बात। पहले मुकेश सहनी के भाई के सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के वाक्य के बाद बिहार सरकार के एक और मंत्री की वही करतूत सामने आई है, जिसके तहत मंत्री के बेटे के नल जल योजना की जांच में शामिल होने का मामला तुल पकड़ने लगा है, जिसके तहत इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में अब तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे कमजोर लुंज पुंज सरकार चल रही है। कभी एक मंत्री का भाई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचता है, कभी दूसरे मंत्री का बेटा वसूली के लिए योजनाओं की जांच करने पहुंच रहा है। नीतीश जी ने बिहार का मजाक बनाकर रख दिया है। बिहार के अक्षत आनंद से इम्प्रेस हुई रश्मि देसाई। हाल ही में सिंगर और एक्टर अक्षत आनंद ने म्यूजिक वीडियो आदतन के साथ अपना डेब्यू किया है, जिसकी लॉन्चिंग मुंबई में ही धूमधाम से हुई थी। हालांकि आपको बता दें कि यशी फिल्म्स और जी म्यूजिक के इस नए वीडियो आदतन की लॉन्चिंग बिग बॉस फेम पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने की। इस मौके पर रश्मि ने बिहार से निकले अक्षत आनंद की तारीफ की और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। विधानसभा में मुक्का दिखाने पर शुरू हुआ बवाल। बिहार विधानसभा का बजट सत्र बेहद ही हंगामेदार देखने को मिलता है। इसी क्रम में बीते दिन भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेताओं ने मंत्री के इस रवैये पर आपत्ति जताई और राजद विधायक ने इस हरकत पर माफी मांगने की बात कही। इस दौरान गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार को खड़ा होकर आसन को यह स्पष्ट करना पड़ा कि किस संदर्भ में उन्होंने ऐसा किया। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सदन में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा, जिसके बाद ही गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार खड़े हो गए और उन्होंने मुक्का दिखाते हुए अपनी बात को रखा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनसे पूछा कि क्या आप आसन को मुक्का दिखा रहे हैं। नीट 2021 में उम्र सीमा की बाध्यता को लेकर संशय की स्थिति बरकरार। डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। अब नीट 2021 परीक्षा में युवाओं को राहत मिलने की खबर जो है वो सामने आई है, जिसके तहत इस परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा की बाध्यता को हटाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि इस बार छात्रों में उम्र को लेकर काफी भ्रम का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि नीट 2020 में उम्र सीमा को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन इस बार छात्र इस सवाल को लेकर काफी उलझन में थे कि इस बार उम्र सीमा 25 वर्ष होने पर परीक्षार्थियों में संशय की स्थिति है। हालांकि एक्सपर्ट बताते हैं कि MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अभी इसका फैसला नहीं आया है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने जमकर किया विरोध। बीते दिन बिहार विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों का विरोध देखने को मिला। इसी दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने हाथ में प्लेकार्ड लेकर जमकर प्रदर्शन किया। राजद विधायकों का कहना था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गई है, रोज लूट और अपहरण की घटनाएं हो रही है। वहीं इस मामले में राजद विधायक भाई वीरेंद्र का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे में कई साल से गृह विभाग है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि बिहार सुधरे। मुख्यमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। आगरा के युद्ध में बाबर से 1527 में चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह प्रथम पराजित आज के दिन हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शासकों के बीच 1782 में सलबाई की समझौता आज के दिन हुई थी। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा साल 1959 में तिब्बत से भारत आज के दिन पहुंचे थे। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 1987 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास आज के दिन लिया था। 1946 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का जन्म आज के दिन हुआ था। 1962 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म आज के दिन हुआ था। रविचंद्रन अश्विन ने T20 में नहीं खिलाए जाने के सवाल पर दिया जवाब। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट्स में वापसी को लेकर हाल ही में पूछे गए सवाल का जबरदस्त जवाब दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि व्हाइट बॉल से खेले जाने वाले फॉर्मेट में वापसी से जुड़े हास्यपद है। अश्विन ने इंडिया टुडे से एक इंटरव्यू में कहा कि आपको खुद से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि अश्विन ने भारत की तरफ से जुलाई 2017 में आखिरी बार सीमित ओवर का मैच खेला था। इसके बाद उन्हें और रविंद्र जडेजा को इस फॉर्मेट में नहीं खिलाया गया। उनकी जगह युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को मौका दिया गया।
राखी सावंत ने अपने बायोपिक में आलिया भट्ट के होने की जताई इच्छा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट राखी सावंत ने सभी फैंस को चौंका दिया था जब उन्होंने बताया कि जावेद अख्तर उन पर बायोपिक बनाना चाहते हैं। बाद में जावेद अख्तर साहब ने कंफर्म करते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत ने बताया है कि आखिर वो अपनी बायोपिक में किसे लीड रोल में देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि मेरे किरदार में मैं 2 से 3 एक्ट्रेस को देखती हूँ। पहली है आलिया भट्ट, वो सुपर्ब है, वो बोल्ड है और बिंदास है, वो किसी से नहीं डरती है। किसी को मेरे किरदार को निभाने के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। बिहार के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में खुलेगा खादी मॉल। बिहार विधान परिषद में कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पटना की तरह राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी खादी मॉल खुलेगा। राज्य में 11 जगहों पर खादी ग्रामोद्योग की जमीन है। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि सभी जिलों में स्थित खादी ग्रामोद्योग परिसर खादी और ग्रामोद्योग राज्य कार्यालय शेखपुरा पटना में स्थित है या भारत सरकार के अधीन में है। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न जिलों में सभी खादी भंडार जिला खादी ग्रामोद्योग संघ के हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अर्पित कुमार, अनिल कुमार, साहिल कुमार, मनीष कुमार, नीलम कुमारी, रविंद्र पासवान, गौतम मांझी, सेंटू कुमार, नीतीश कुमार, मिथिलेश कुमार, रवि कुमार, चंदन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार अपने चुनावी वादे के तहत बिहारवासियों को नौकरी देने में सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।